రాఫెల్ డీల్తో ప్రధాని మోడీ దేశద్రోహానికి పాల్పడ్డారని మరోసారి విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు కాంగ్రెస్ అధినేత రాహుల్ గాంధీ. రెండు రోజుల పర్యటన కోసం ఉత్తరప్రదేశ్ అమేధి వెళ్లిన ఆయనకు కన్వారియాలు ప్రత్యేక పోస్టర్లతో ఆహ్వానం పలికారు. ఆ పోస్టర్లలో రాహుల్ను శివభక్తుడిగా చూపించారు. ఈ సందర్భంగా రాహుల్ అక్కడి శివాలయంలో పూజలు చేశారు. ఆ తర్వాత ప్రసంగించిన రాహుల్ రాఫెల్ డీల్తో క్రిప్రోకో కింద వేల కోట్లు కొల్లగొట్టారని కేంద్రంపై విరుచుకుపడ్డారు. తన పర్యటనలో భాగంగా రాహుల్ స్థానిక నేతలు కార్యకర్తలతో సమావేశమవుతారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ పరిస్థితి, రాబోయే సాధారణ ఎన్నికలపై చర్చిస్తారు. दूसरी बात, 45,000 करोड़ रुपए के कर्ज वाले बिजनेसमैन को आपने क्यों डील दी? तीसरी बात, ये सच है कि जब आप फ्रांस में आपके डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी थे? और चौथी बात, मोबाइल नीचे कर ले बेटे. अनिल अंबानी जी की कंपनी इन्हें के मोबाइल सबसे पहले सभी एयरटेल ने 70 साल से काम किया है. आपने एयरटेल से कॉन्ट्रैक्ट छीन के अनिल अंबानी को क्यों दिया? देखो, मैं आपकी हाथ में हाथ मिला रहा हूँ ना, ऐसे मैंने हाथ में हाथ नरेंद्र मोदी जी का मिलाई. ऐसे मैंने हाथ में हाथ मिलाई, और जैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ऐसे मिलाई, उन्होंने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी यहाँ देखे, कभी वहां देखे. देश के चौकीदार ने हिंदुस्तान के जवानों से, हिंदुस्तान के शहीदों के जेब में से 30,000 करोड़ रुपए निकालकर अनिल अंबानी के जेब में डाला है. इसलिए देश का चौकीदार मेरे आंखों में आप नहीं मिला पाया, और इसीलिए देश का चौकीदार सब चीज के बारे में भाषण दे सकता है, मगर राफेल हवाई जहाज के बारे में भाषण नहीं दे सकता है, सफाई नहीं दे सकता है. दम नहीं है नरेंद्र मोदी जी में, भाषण देते हैं मगर सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं. अच्छा, दूसरी बात, विजय माल्या का नाम सुना है? सुना है? 9,000 करोड़ रुपए की चोरी की है. पहली बार इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में. अच्छा, एक बात बताओ, पुलिस स्टेशन में पुलिस कॉन्स्टेबल चोर को भागने देता है तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं? बंद कर देते ना? कहता है, कहते हैं कि भैया तुमने चोर को भागने दिया, तुम्हें बंद कर देंगे. सही बात है, किसी भी कॉन्स्टेबल को बंद कर देंगे. सही कह रहा हूँ ना भैया, पुलिस सही कह रहा हूँ ना? सही है, हंसो मत. अगर आपने किसी खोल के छोड़ दिया तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे मोदी जी ने कहा, मोदी जी आप तीन बातें समझा दीजिए. 526 करोड़ वाले हवाई जहाज को आपने 1600 करोड़ में क्यों दिया? दूसरी बात, 45,000 करोड़ रुपए के कर्ज वाले बिजनेसमैन को आपने क्यों डील दी? तीसरी बात, ये सच है कि जब आप फ्रांस में आपके डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी थे? और चौथी बात, मोबाइल नीचे कर ले बेटे. अनिल अंबानी जी की कंपनी इन्हें के मोबाइल ने 70 साल से काम किया है. आपने एयरटेल से कॉन्ट्रैक्ट छीन के अनिल अंबानी को क्यों दिया? देखो, मैं आपकी हाथ में हाथ मिला रहा हूँ ना, ऐसे मैंने हाथ में हाथ नरेंद्र मोदी जी का मिलाई. और जैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ऐसे मिलाई, उन्होंने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी यहाँ देखे, कभी वहां देखे. देश के चौकीदार ने हिंदुस्तान के जवानों से, हिंदुस्तान के शहीदों के जेब में से 30,000 करोड़ रुपए निकालकर अनिल अंबानी के जेब में डाला है. इसलिए देश का चौकीदार
मेरे रोष में रोष नहीं मिला पाया और इसीलिए देश का चौकीदार सब चीज के बारे में भाषण दे सकता है मगर राफेल हवाई जहाज के बारे में भाषण नहीं दे सकता है, सफाई नहीं दे सकता है। दम नहीं है नरेंद्र मोदी जी में, भाषण देते हैं मगर सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, विजय माल्या का नाम सुना है? सुना है? 9000 करोड़ रुपए की चोरी की है। पहली बार इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में। अच्छा एक बात बताओ, पुलिस स्टेशन में पुलिस कांस्टेबल चोर को भागने देता है तो उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं? बंद कर देते ना? कहता है, कहते हैं कि भैया तुमने चोर को भागने दिया तो मैं बंद कर देंगे। सही बात है, चीफ कांस्टेबल को बंद कर देंगे। सही कह रहा हूँ ना भैया पुलिस? सही कह रहा हूँ ना? सही है तो बस, अगर आपने किसी खोल के छोड़ दिया तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे मोदी जी ने कहा, मोदी जी आप तीन बातें समझा दीजिए। 526 करोड़ वाले हवाई जहाज को आपने 1600 करोड़ में क्यों दिया? दूसरी बात, 45,000 करोड़ रुपए के कर्ज वाले बिजनेसमैन को आपने क्यों डील दी? तीसरी बात, ये सच है कि जब आप फ्रांस में आपके डेलीगेशन में अनिल अंबानी जी थे? और चौथी बात, मोबाइल नीचे कर ले बेटे, अनिल अंबानी जी की कंपनी इंडिया के मोबाइल ने सरकार से काम किया है, आपने एचएल से कॉन्ट्रैक्ट छीन के अनिल अंबानी को क्यों दिया? देखो मैं आपकी हाथ में हाथ मिला रहा हूँ ना, ऐसे मैंने हाथ में हाथ नरेंद्र मोदी जी का मिलाई। और जैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ऐसे मिलाई, उनसे सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी यहाँ देखे, कभी वहां देखे, चौकीदार चोरी कर गया। देश के चौकीदार ने हिंदुस्तान के जवानों से, हिंदुस्तान के शहीदों के जेब में से 30,000 करोड़ रुपए निकालकर अनिल अंबानी के जेब में डाला है। इसलिए देश का चौकीदार मेरे रोष में रोष नहीं मिला पाया और इसीलिए देश का चौकीदार सब चीज के बारे में भाषण दे सकता है मगर राफेल हवाई जहाज के बारे में भाषण नहीं दे सकता है, सफाई नहीं दे सकता है। दम नहीं है नरेंद्र मोदी जी में, भाषण देते हैं मगर सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा दूसरी बात, विजय माल्या का नाम सुना है? सुना है?